मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी का मैनोफेस्टो जारी हो चुका है, जिसमें मीरा भाईंदर शहर का विकास कर उसे हर प्रकार की सुविधा युक्त शहर बनाने की बात भाजपा द्वारा कही गई है। इस मैनिफेस्टो में पुलिस मुख्यालय, नाट्यगृह, अस्पताल, कम्युनिटी हॉल और मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए अलग से MITC जोन बनाने की बात भाजपा ने रखी है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मीरा भाईंदर के अंदर आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए 5 साल हमें क्या क्या काम करना है, उस बारे में हमने आज अपना संकल्प पत्र, जिसे हम घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, यह आज हमने प्रसिद्ध किया है और आज इसका विमोचन हुआ मंत्री महोदय रविंद्र चौहान जी के हाथों, और आप सबके सामने ये घोषणा पत्र है। सर, जो पानी जो मीरा भाईंदर के लिए आया है, वो इलेक्शन के बाद भी आएगा ऐसा लोगों का कहना है, उनको शंका है कि आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 75 MLD पानी शहर में आया है। आज मीटर रीडिंग लेंगे तो पहले 136 MLD पानी आता था, आज हम 176 MLD पानी उठाते। नई पाइपलाइन जो डाली गई उसके अंदर भी पानी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी जो आया है वो कोई ऐसा वादे के हिसाब से नहीं आया। प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उससे पानी आना शुरू हुआ, इसलिए जनता को दे रहे, तो स्वाभाविक है आने वाला है। इतना कहूंगा, अभी तो हमने 40 MLD उठाया, 35 बाकी है, वो उठाएंगे तो इससे भी ज्यादा पानी आएगा, ये जनता विश्वास करे। नहीं, पानी तो आ चुका है, और पानी जो श्रेय लेने की बात है, श्रेय कोई और ले रहा, काम तो हमने किया, क्योंकि पानी कब मंजूर हुआ, 24 नवम्बर 2014 को। उस समय एकनाथ शिंदे जी विरोधी पक्ष नेता था, भारतीय जनता पार्टी की अकेली की सत्ता थी, और प्रकाश मेहता जी के सिग्नेचर है, उनके हाथों ये पानी मंजूर हुआ। सुभाष देसाई और ये सब तो सरकार में बाद में आए, और इस पानी के भूमि पूजन को भी शिवसेना ने बाइकआउट किया था, एक भी नेता उपस्थित नहीं रहे, यहाँ तक कि पालक मंत्री प्रोटोकॉल था फिर भी वो नहीं उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री आए तो भी। तो जाहिर सी बात है, ये पीने का पानी किसी ने इस शहर को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी, हमारे काम को ही अपना काम कहना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है। नरेंद्र मोदी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमेशा सरकार को कोसने का काम शिवसेना ने किया। अब पानी आया, मेट्रो आई तो हमने लाया, कोस रहे थे तो आप ही कोसते थे। अरे मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रस्ताव को सम्मान दिया, और भाजपा के मुख्यमंत्री जी है, और उन्होंने मीरा भाईंदर की जनता को तकलीफ से छुटकारा देने के लिए मेट्रो की शुरुआत की। और मुख्यमंत्री जी ने क्लियर रूप में कहा था कि मैं मीरा भाईंदर से एक बार ट्रेन में चढ़ा था, क्या परिस्थिति है मैं जानता हूं, इसलिए मीरा भाईंदर को ट्रेन देना जरूरी है, और ये प्योरली भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ कार्य है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी अगर CM नहीं बनते तो मेट्रो आज भी नहीं आती। कि शिवसेना के पास मैंने कहा कुछ बचा नहीं, एक सिंपली बताइए, सरकार हमारी, सत्ता हमारी, महापौर हमारे, तो उद्घाटन भी मेयर ही करेंगे ना, कोई और करेगा क्या? ये महापौर का अधिकार है उद्घाटन करना, वो जबरदस्ती से जाके नारियल फोड़ना, ये करना, छिछोरापन करना, ये शिवसेना के पहले से ही रहा है, दादागिरी करना, मारपीट करना। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, ये वापस आ गए तो इसी तरह से करेंगे दादागिरी मारपीट, हम तो अहिंसा वाले, शांतिपूर्वक अपना काम करने वाले लोग हैं।